धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज धरती पर अकाल पड़ गया है मानव समाज में बुद्धिमत्ता का। और बुद्धिमत्ता का परिचय मानव कहला करके भी दे नहीं पा रहे हैं। बेतुकी बातों को उठाकर सामने आ जाते हैं लोग, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और ये ऐसे ही लोगों के फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं। कल 25 अगस्त 25/8 को 16:29 अर्थात 4:29 पे अमेरिका से एक फ़ोन आया मेरे पास, और जो विषय उनका नहीं है उसी पर ही वो बोल रहे हैं। वो वेद को जानते नहीं हैं और वो कह रहे हैं कि वेद को तुमने श्रुति क्यों बना दिया, या श्रुति को तुमने वेद क्यों बना दिया। ये तब्दीली तुम लोगों के द्वारा किया गया है। आइए उनकी आवाज़ पहले सुन लेते हैं, फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ। कल 25 अगस्त 4:29 पे शाम को मेरे पास अमेरिका से एक फ़ोन आया। वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ लेकिन अमेरिका में हूँ। मैंने उनको खुली चुनौती दी है, सामने बैठ करके डिबेट करने का निमंत्रण भी दिया है। आप लोग उनकी वार्ता को सुनिए पहले, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा वक्त और दूंगा। धन्यवाद। हेलो महेंद्र साहब, क्या हाल जी? हाँ महेंद्र साहब, कैसे हो? हेलो क्या हाल है? कौन भाई? हाँ महेंद्र साहब जी महेंद्र साहब कैसे हो? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, परमात्मा की देह है। आप कौन? मैं जफर बोल रहा हूँ खैरकर से। जी बताइए कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, परमात्मा। अच्छा, आपसे जो है वो पूछा था, आपके एक क्लिप जो आ रहे हैं, बहुत सारे आते रहते हैं, तो उसको मैंने देखा है। तो मैं चाह रहा था कि मैं जरा आपसे जरा बात करना चाह रहा था कि मुझे जरा ये बताइए कि आदमी और इंसान में फर्क क्या है? आदमी और इंसान में आदमी और इंसान में फर्क क्या है? आदमी एक भाषा में बोला गया, इंसान दूसरी भाषा में बोला गया। नहीं बताए, आप तो बहुत नहीं, आप तो बहुत ज्यादा महान आदमी है, बहुत ज्यादा आप नॉलेज है, तो जरा हमें आदमी और इंसान के फर्क से बताइए, फिर आप जाके आगे जो है किसी चीज के बारे में समझ में आएगा। जब आपको आदमी और इंसान का फर्क नहीं पता तो फिर आप आगे नहीं, आप किसी चीज को आप समझ नहीं पाएंगे। सामने आकर के बात करो तो पता लग जाएगा क्या पता है और क्या पता नहीं है। मैं इतने दूर से नहीं आ सकता। आप तो नहीं आ सकते, इसलिए तो वही मैं बता रहा हूँ। वो हारिस सुल्तान से पूछ लो, हारिस सुल्तान से पूछो, वो और भी 50 है उन लोगों से पूछो। बात छोड़े ना, वो सब देखे, वो जितने भी लोग हैं जिनके बारे में आप कहते रहते हैं ना, वो सब आपके लिए इसलिए नहीं है, हमें आपके लिए पैदा किया गया। आप मुझे आदमी और इंसान का फर्क बता दे, मैं आपको मान जाऊ। मैं वही तो बतला रहा हूँ, इंसान वही होता है जो कुरान से ताल्लुक रखता है। आदमी वो होता है जो संपूर्ण विश्व के मानवता से संपर्क रखता है। आप उसकी पूरी थोड़ी तफसील बताए ना, इतना शॉर्ट बताने से तो काम नहीं चलेगा ना। कि आदमी है वो है जो कुरान से ताल्लुक रखता है, और कुरान की भाषा है ना, इंसान कुरान की भाषा है, खलक अल इंसान कुरान की भाषा है, जो कुरान से ताल्लुक रखता है। और आदमी वो है जो संपूर्ण बनी नौ इंसान से ताल्लुक रखता है, मानवता से ताल्लुक रखता है। हाँ तो मानवों का एक आप पूरी जो उसकी तफसील बताएंगे कि वो कैसे होगा आदमी इंसान कैसे बना? इंसान बना है कुरान ने,
नहीं तो कुरान तो कुरान में तो कुरान से पहले तो आपके आपके वो आया था ना वेद आया था वेद का और वेद तो जो है बता पहले से वेद सूरती था सूरती के बाद वो वेद बना ठीक है ना श्रुति श्रुति वेद को ही कहा जाए श्रुति के बाद में वेद बना क्या क्या मतलब है श्रुति के बाद श्रुति 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 के बाद में वेद बना का क्या मतलब है वेद बना के मतलब ये कि पहले वो श्रुति था किसने उसको हक दिया अरे श्रुति किसको बोला गया है श्रुति किसको बोला गया है श्रुति का मतलब है सुन के ईमान लाना ईमान की बात ही यहाँ नहीं है हम तुम जैसे बेईमान थोड़े हैं जो ईमान लाएंगे यहाँ ईमान की बात ही नहीं है वो तो जो ईमान होगा वो ईमान लाना पड़ेगा और जो ईमान लाया वो दुनिया को बेईमान मानते हैं तुम्हारी मानसिकता यही है इसी मैं बोल रहा हूँ अगर हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट करो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अरे एकदम दूध का दूध पानी के पानी में सुख करने के लिए तैयार हूँ मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ तो सामने तो अमेरिका में बैठे हैं अमेरिका में बैठे हैं अमेरिका में बैठे हैं तो फिर इंडिया से बात क्या कर रहे हैं अभी इंडिया आइए तब पता लगेगा आप बात तो सुने ना मेरा मैं जो है पाकिस्तान से हूँ और अब भाई आप पाकिस्तान से है या गिलगिटिस्तान से है उससे मेरा मतलब नहीं है पाकिस्तान का हारिस सुल्तान भी पाकिस्तान का ही है और जो 500 और लोग काम कर रहे हैं इस पर वो सब पाकिस्तान के ही हैं जिनको मुलहिद कहा जा रहा है आप पाकिस्तान से हैं तो आप हमसे डिबेट करना हो इसी विषय में जो आप बोल रहे हैं इसी विषय में डिबेट करना है तो स्वागत है आपका अब मैं एकदम एकदम तैयार हूँ आइए मैं तो इस बात से तैयार हूँ कि अगर आपका धर्म अगर सही है और सीधे राम की तरफ लेके जाता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई मेरे अच्छे अवीर आपका धर्म का क्या मतलब है धर्म आपका और हमारा अलग है क्या आप तो कह रहे हैं ना हम नहीं कह रहे इस्लाम कह रहा है इन नदी इन नदी इस्लाम का है इस्लाम तो इस्लाम वो कह रहा है कि आपने जो है सूरती को वेद तब्दील कर दिया इससे कह रहा है वो इस्लाम वो श्रुति क्या है और वेद क्या है वो जानने के लिए भेजा चाहिए जो भेजा को गिरवी रख रखे हो आप इस्लाम के पास उसको पहले वहां से छुड़ाओ फिर उसके बाद बात बनेगी हम तो हम श्रुति को मानते हैं वेद को नहीं मानते अरे श्रुति वेद को वेद का ही नाम श्रुति है अरे जाहिल आदमी वेद श्रुति श्रुति ये तो अलग अलग पंडितों में अपने अपने ऐसा है ऐसा सुनना नहीं चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं आप चले बोलो आप भी तो नहीं वेद वेद बात क्या बोले श्रुति और वेद को आप अलग अलग बतला रहे हैं आपको जानकारी नहीं है कि श्रुति किसको कहा गया और वेद किसको कहा गया पहले जानकारी लीजिए श्रुति के मानी वेद होता वेद श्रुति को ही कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार सहसा चतुर्मात्मना ऐसे चतुर्विदम प्राहु शास्त्र धर्म संरचनम ये बताया गया है अब हो किस दुनिया में लेकिन इस पे चेंज होना संभव नहीं है वहाँ पर मेरा वीडियो लगा हुआ सुनो कुरान कलम का नींव नहीं धर सकता है वेद के अंदर में तुम चेंज करने की बात कर रहे हो जो चीज आपको जो जो आपके अधिकार में नहीं आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हो भाई मेरे पास इतना समय नहीं होता मेरे अजीज अगर आपको बात करना है डिबेट करना है जो विषय आप बोल रहे हैं इसी विषय पर तो स्वागत है मोस्ट वेलकम आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप इसका याद रखिएगा हेलो सुना हूँ बोलिए हाँ आप देखे आप मुझे मैंने किताब लिखी है और वो मैंने डेली से जो है ना अगर आप अपने तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप किताब लिखे हैं कि राख लिखे हैं मैं पूछा आपसे
आप किताब लिखे तो कौन सा पहाड़ कौन सा एवरेस्ट पर चल गए, अरे किताब लिखे तो कौन सा एवरेस्ट पर सामने आकर के जुमिटर बकवास मत कर, फालतू बकवास करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपके सारे धर्म प्रेमी सज्जनों, कल शाम को 4:30 बजे अमेरिका से मेरे पास जो फ़ोन आया मैं बताया हूँ, उनका नाम मिस्टर जाफर है और उनका टेलीफोन नंबर भी मैं बता देता हूँ। इनका नंबर है 1929392514141। अब ये नंबर इनका व्यक्तिगत हो सकता है या पीसीओ का नंबर हो सकता है, ये मुझे मालूम नहीं। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, मिस्टर जाफर नाम है इनका, इनका नंबर है 1929392514141। तो इन्होंने ये बोला कि आदमी और इंसान में फ़र्क क्या है, तो मैंने कहा कि आदमी और इंसान में फ़र्क क्या है, आदमी किसी भाषा में बोला गया और इंसान किसी भाषा में बोला गया, तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वे इंसान का जो भाषा आया है वो इंसान अरबी शब्द का है, अरबी भाषा का है। कुरान में अनेक जगह इंसान शब्द आया है, अल्लाह ने खलकल इंसान बताया है, उसने इंसान को पैदा किया, उसने इंसान को पैदा किया। अब ये मुसलमान कहाँ से हो गए ये अल्लाह को भी नहीं मालूम, यद्यपि अल्लाह ने मुसलमान बनाया नहीं, अल्लाह ने खलकल इंसान ही कहा, लेकिन ये इंसान शब्द मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, कुरान से जुड़ा हुआ के मतलब मुसलमान से जुड़ा हुआ है, तो अल्लाह का सिखाया हुआ है और अल्लाह ने इन्हीं मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में भेद डाल रखा है। अब जहालत की बात देखिए, जो विषय इसका नहीं है और वो कह रहा है कि हम तो श्रुति को मानते हैं वेद को नहीं मानते, आप लोगों ने श्रुति को वेद बना दिया, पंडितों ने श्रुति को वेद बना दिया। अब श्रुति के माने ही वेद है, सुन कर के जिसे याद किया, वो कह रहा है कि सुन करके जो ईमान लाए, भाई ईमान तो लाएगा कोई, बेईमान होगा तो ईमान लाएगा, और जो ईमान लाया उन ईमान लाने वालों ने दुनिया को बेईमान कह दिया, ये सब कुरानी भाषा है और इस्लाम की मान्यता यही है। तो इंसान शब्द जो है वो कुरान से जुड़ा हुआ है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, और इस्लाम ने एक ही दीन माना है जिसको इस्लाम कहा जाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक दो बार नहीं अनेक बार बोल रखा हूँ, अनेक बार आप लोगों ने भी सुना है। तो ये जानता नहीं है, ये रहने वाला पाकिस्तान का है पर अमेरिका में रहता है। मैंने खुली चुनौती उनको दी है कि भाई आओ, स्वागत है आपका, आप सामने बैठ करके हम डिबेट करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मूर्खतापूर्ण बातों को लेकर के, जो विषय नहीं है, जो बातें हम नहीं जानते हैं, उसे लेकर के ही हम मानव समाज में उतर जाते हैं, ये बड़ी जहालत है। और ये जहालत एक जगह नहीं, ये जहालत सभी जगह घर कर गया है। लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, लोगों ने सच्चाई को तिलांजलि दिया, सच के नज़दीक आना नहीं चाहा। तो श्रुति वेद को ही कहा जाता है, श्रुति स्मृति सदाचार सच्चा प्रेमणात्मना एते चतुर्विदम प्राहु साक्षात धर्म स लक्षणम, धर्म के लक्षण गिनाते हुए मनु महाराज ने ये लिखा है। और ऋषि दयानंद की मान्यता ये है कि वेद के बाद अगर किसी ग्रंथ को मैं मानता हूँ वो मनुस्मृति को मानता हूँ, पर वो मनुस्मृति नहीं जो जिस पर मिलावट किया गया है, जिसको लेकर के ये कूद रहे हैं, जिसे लेकर के बौद्धिस्ट कूद रहे हैं, ये भीम सेना कूद रहे हैं, भीम आर्मी कूद रहे हैं, ये खीर ज्ञानी कूद रहे हैं, जो बाम सेफ बोल रहे हैं अपने को, इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मनुस्मृति है क्या। जो मनुस्मृति को जाना ही नहीं, और इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी तो की अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जबकि आर्य समाजियों के पैसे से वो पले, पढ़ाई करी, उन्हीं आर्य समाज के साथ इन्होंने धोखा किया है, उन्हीं आर्य समाज के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, जिस थाली को खाया उसी थाली में छेद किया। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ,
अगर ऋषि दयानंद के मंतव्यों को अंबेडकर मान लेते होते तो मेरे जैसा वो भी आज पंडित कहला सकते थे, लेकिन हिंदुओं के अंदर में फूट डाला है अंबेडकर ने। पंडित कहलाने के बजाय वो जहां का तहां रह गए। आज यही मानव समाज में झगड़ा इन्हीं लोगों के द्वारा ही लगाया हुआ है, इन्हीं लोगों के द्वारा ही लगाया जा रहा है कि ये सत्य से कोसों दूर है। और ये केवल एक जगह नहीं, सब जगह इसी तरीके से। कल मैं दूरदर्शन में देख रहा था, वो कोई एक लड़की है, वो न्यूज नेशन में भी देखा डिबेट में, और इंडिया टीवी में भी देखा, कई जगह देखा कि कोई एक लड़की है इलाहाबाद गांव से, किसी कोई गांव से इलाहाबाद के पास कोई गांव है जहां से उसको यूपी पुलिस ने पकड़ लिया है। कोई एक लड़की है जो उल्टा सीधा फालतू बोल रही है, जो राम के नाम से, सीता के नाम से, देवी देवताओं के नाम से आदि आदि ये सब बोल रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है उन्हीं लोगों को दूरदर्शन में बुला करके ये लोग कार्यक्रम करते कराते हैं। उसका बोलने का कारण क्या है, उसका असलियत क्या है उसमें, उसको जानना पड़ेगा। पर ये लोग जड़ को जाए बिना, जड़ को पकड़े बिना, जड़ को जाने बिना ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। ये इस्लाम वाले जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुरान के अनुसार कह रहे हैं, हदीस के अनुसार कह रहे हैं, इस्लाम की जो मान्यता है उसके अनुसार कह रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं वो कुरान में मौजूद, कुरान में भरी पड़ी हैं। कुरान में गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए अल्लाह ने मना किया है। तो जब कुरान के मानने वाले हैं तो वो अमल किस पे करेंगे? यही तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में यही हुआ है कि कुरानी हुकूमत वहाँ पर वो लागू करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार में ये दम नहीं है कि उनसे पूछे कि भाई तुम शरीयती कानून जब यहाँ नहीं है तुम अपना क्यों कानून लागू करना चाहते हो। अगर उनसे नहीं पूछ सकते थे तो कम से कम प्रांतीय सरकार से पूछना चाहिए था। ये सब नहीं हो पा रहा है। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं मानव समाज में। अब कल मैं देखा दूरदर्शन में, रजत शर्मा जी ने दिखाया एक प्रोग्राम को, बहरीन में कुछ बुर्का वाली महिलाएं गणेश के प्रतिमा को और जितने भी फोटो हैं वो दूरदर्शन में दिखाया गया, वो पिछले सप्ताह की बात है, और वो निरंतर चला। कल रजत शर्मा जी ने दिखाया उसको कि उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहाँ कोई हिंदू था जो पांडे परिवार का था, उन्होंने फिर पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस को उसको जुटाना था प्रमाण, इसलिए वो नहीं दे पाया। फिर बाद में उन मूर्तियों को उठा करके उस पांडे को सौंपा, पांडे ने उस मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा की और फिर उसको गंगा में, वहाँ जो नदी है वहाँ जा करके विसर्जन किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ रजत शर्मा से और इनके अनुयायियों से कि वो महिला बहरीन वाली, जो महिला बुर्का वाली महिला जो थी, वो जो मूर्तियों को उठा करके फेंक रही थी उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया नहीं गया था, बिना प्राण वाली वो प्रतिमा थी तो उसको तोड़ा तो नुकसान हो गया, और ये प्राण प्रतिष्ठा करके पांडे ने डुबोया तो प्राण की हत्या हुई या नहीं हुई? पर ये हिंदुओं के दिमाग में ये बात आने वाली नहीं है और हिंदू समझेगी भी नहीं। भाई वो पांडे को कहाँ मिल गया प्राण, जो प्राण उसके अंदर में प्रतिष्ठा कर दी? मैं पूछना चाहता हूँ रजत शर्मा से कि आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं और राजनीतिज्ञों से भी बहुत अच्छा संपर्क है। अरुण जेटली के बारे में भी जहाँ तक मैं जाना देखा पाया बड़ा संपर्क रहा आपका, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो आपकी अदालत चलाते हैं, आपकी अदालत में मुझे बुलाइए एक बार और इसी पर सवाल करिए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। आप लोग प्रचार करते हैं, जानते कुछ है नहीं। वो पांडे को प्राण कहाँ से मिल गया जो पांडे ने उस टूटी हुई मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा करी? वो पांडे के परिवार में जब कोई आदमी मर जाता है उसका प्राण लौटा सकता है क्या? या है कोई प्रावधान किसी भी वैदिक संस्कृति में कि हाँ प्राण का भी, प्राण को भी जन्म दे सकता कोई? अगर प्राण मैं मान लिया, अगर प्राण डाल भी दिया उस प्रतिमा में तो उसको जो नदी में बहाया तो उसकी प्राण की हत्या नहीं हुई क्या? सब जगह यही हो रहा है। तो हिंदू अकल के दुश्मन है, हिंदू अकल के दुश्मन है, इसीलिए ये आज
जो कुछ भी हो रहा है मैं इस पर लिखता हूँ, बोलता भी हूँ, जो कुछ भी हो रहा है ये सब हिंदुओं की कमी है, हिंदुओं की दूरदर्शिता के कारण ही इन लोगों को हिंदुओं ने हिम्मत अफजाई की है, और हिंदुओं के हिम्मत अफजाई करने से ही वो लड़की बोल पा रही है इतना। वो लड़की क्यों दूरदर्शन में भी बोल रहे हैं, वो शाहीन बाग वाला प्रोग्राम में देखा नहीं, वो शाहीन बाग वाला प्रोग्राम में शोएब जमई जिसका नाम है वो तो संबित पात्रा को भी धमकी दिया कई बार। अनर्गढ़ प्रलाप सभी दूरदर्शन में किया जा रहा है और मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को गाली सुनवाया जा रहा है, गाली दिलवाया जा रहा है, ये सारा काम गलत हो रहा है। इसलिए सच क्या है उस सच को जानना पड़ेगा, सत्य के नज़दीक हमें आना पड़ेगा। सत्य को दुनिया वालों ने, मानव कहलाने वालों ने तिलांजलि दिया है जिसका ये नतीजा है। तो मैं उस अमरीका वालों को, जबकि वो अमरीका वाला नहीं है, तो वाला पाकिस्तान का लेकिन अमरीका में रहता है, मैंने उसको खुली चुनौती दी है कि इंसान और आदमी के भेद को अगर आप जानना चाहते हो तो स्वागत है आपका, आप आइए हम डिबेट करते हैं सामने बैठ करके, और फिर दुनिया वालों को भी बताते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। मानव मात्र के लिए यही तो उचित है, सत्य को ग्रहण करना और असत को छोड़ देना। मानव अगर सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता या नहीं करता वो मानव कहलाने के हकदार ही नहीं है। सत्य को ग्रहण करना और असत को त्याग देना यही मानवता है। आइए हम सब सत्य को जानें और सत्य को ग्रहण करें, सत्य को आचरण में लाएं, सत्य के नज़दीक आएं, सत्य को अपने जीवन में उतारें और हम मानव कहलाने के अधिकारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बिल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा ये रास्ता कायम रहे। पुनः भारत माता की जय।